झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है और इधर बुधवार को एसीबी ने दुमका में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार को रांची से गिरफ्तार कर धनबाद लाया है। दुमका में पदस्थापित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार बुधवार को धनबाद एसीबी की गिरफ्त में आ गए। इनकी गिरफ्तारी रांची के अरगोड़ा स्थित आवास से धनबाद से पहुंची टीम ने बुधवार की सुबह की, उसके बाद उन्हें धनबाद लाया गया है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह में जब वो पदस्थापित थे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा संख्या 2/18 बताया गया है। इसके अलावा भी इन पर 2 मामले दर्ज हैं, यानी धनबाद के एसीबी के पास संजय कुमार के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये मामला 2018 का है, लेकिन गिरफ्तारी 2023 में हुई है, उस समय वो गिरिडीह में पोस्टेड थे। एक अन्य मामले में आपदा प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। झारखंड में भ्रष्टाचार करने वाले अब एक एक कर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। एसीबी भी सक्रिय हो गया है। पुराने मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और घूसखोर अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। पेयजल विभाग से क्या है पूरा मामला कि एसीबी थाना कांड संख्या 2/18 दर्ज है, जो पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह में जो आरोपी है तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने चापाकल डीप बोरिंग एवं शौचालय निर्माण के एवज में अवैध राशि वसूली करने का आरोप दर्ज था। इस मामले में ये प्राथमिकी अभियुक्त इनकी गिरफ्तारी आज इनके बसंत विहार अरगोड़ा स्थित आवास से की गई है। इसके साथ साथ ये अन्य 2 और मामलों में भी एसीबी के अभियुक्त है, 4/19 और 14/19 और 2/18 में इनकी गिरफ्तारी आज सुबह की गई है। मेडिकल करा करके मामले में अलग सहारा नहीं किया जा रहा है। सर, चापाकल में जो वसूली की बात, कुछ कितने रुपए की वसूली होती है? इन्होंने अपने खाते में और अपने संबंधियों के खाते में कुछ राशि मंगाई थी। राशि का एग्जैक्ट संख्या मुझे अभी याद नहीं है। राशि गबन का मामला है, पद का दुरुपयोग का मामला है। कुल मिला के 3 कांडों में ये अभियुक्त है। पहले से भी 2 अन्य मामले एसीबी में नामजद अभियुक्त है। इसके अलावा और भी किसी प्रकार से मामला दर्ज था या और भी कुछ लोगों से लिखता है क्या इसमें? नहीं, इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज था। और एक मामला में आपदा प्रबंधन मद से दस्तावेजों को छेड़छाड़ कर राशि निकासी का भी मामला लिखा हुआ है।